उधर रांची में एक बार फिर एनआईए की टीम ने दबिश दी है। बताया ये जा रहा है कि चतरा जिले की एक कोयला परियोजना से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने एक साथ राजधानी के कई इलाकों में छापेमारी शुरू की। एनआईए की टीम डोरंडा इलाके में भी छापेमारी करने के लिए पहुंची है, जहां डोरंडा के एक घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। घंटों से ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक सुबह 4 बजे ही डोरंडा पहुंची थी ये टीम और डोरंडा में कुम्हार टोली के एक घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एनआईए की टीम के साथ भारी तादाद में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से घंटों से ये कार्रवाई चल रही है। पुलिस बल के भी जवान यहां पर मौजूद है। एनआईए ने इलाके में दबिश दी है। कामरान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ कामरान, घंटों से ये कार्रवाई चल रही है, किन किन इलाकों में दबिश दी एनआईए की टीम ने, ये भी हमें बताइए और क्या कुछ निकल पाया है अब तक? पहुंचा दी है और राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है। जैसे अगर हम बात करें डोरंडा इलाका, अशोक नगर इलाका, साथ ही साथ अरगोड़ा इलाका और भी कई इलाके हैं जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। और अभी हम मौजूद हैं डोरंडा इलाके में ही, यहां पर यही वो घर है जहां पर एनआईए के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और अंदर छापेमारी चल रही है, छानबीन चल रही है और इस घर को पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से घेर लिया गया है। साथ ही साथ जैसे कि जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक पूरे मोहल्ले को पुलिस ने घेर रखा है और लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि एनआईए के किसी भी अधिकारी का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है इस बाबत, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है तो कहीं ना कहीं प्रेरर फंडिंग और कोल जो माइनिंग है, माइनिंग से जुड़ा मामला सामने निकलकर आ रहा है, लेकिन इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पर ये बातें स्पष्ट हैं कि एनआईए की दबिश। कामरान जरा हमें ये भी बताइए, जिस घर को पुलिस ने घेर रखा है, एनआईए की टीम ने घेर रखा है, वो घर किसका है, मालिक कौन है और किस मसले को लेकर के ये कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, मिली जानकारी के मुताबिक ये जो घर है जिसपे एनआईए की टीम ने दबिश दी है, वो घर मोहम्मद मूसा का है और उनका जो पुत्र है विकी माइनिंग सेक्टर में काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारियां निकल कर आ रही है वो जानकारी यही है कि इसी घर पे, जो मूसा का घर है और विकी माइनिंग सेक्टर में काम करता था, तो उन्हीं से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो पूछताछ चल रही है वो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है, लेकिन जब वक्त गुजरेगा, जब कोई ऑफिशियल्स बयान आएंगे, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर एनआईए को यहां पर से क्या कुछ मिलता है। चलिए कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे हम आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना।